चंद्रमा ने हमेशा से ही मानव जाति को अपनी ओर आकर्षित किया है। चंद्रमा के प्रकाशित भाग को हम पृथ्वी से देख सकते हैं। इसका एक भाग सदैव अंधकार में बना रहता है। इसे डार्क साइट या फार साइट कहा जाता है। इस वीडियो में हम चंद्रमा के अंधेरे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, साथ ही इस क्षेत्र के अनुसंधान में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों और हो चुकी खोजों को उजागर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से चंद्रमा की एक मनोरम यात्रा शुरू करते हैं और अपने आकाशीय पड़ोसी के अंधेरे क्षेत्र में छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं। दोस्तों, रहस्यों का पिटारा है चंद्रमा का अंधेरा क्षेत्र। चंद्रमा के अंधेरे क्षेत्र को विपरीत क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह चंद्रमा के गोलार्ध के उस भाग को संदर्भित करता है जो स्थायी रूप से पृथ्वी से सदैव विपरीत भाग में रहता है। यह क्षेत्र अब तक रहस्य बना हुआ है। तमाम अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीकी प्रगति के बावजूद इस गूर क्षेत्र के बारे में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। चंद्रमा के अनुसंधान के लिए इतिहास में कई उल्लेखनीय चंद्र मिशन भेजे गए हैं। अपोलो कार्यक्रम, जिसका नेतृत्व नासा ने किया था, ने 1969 और 1972 के बीच चंद्रमा की धरती पर अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक उतारा। चंद्रमा के अंधेरे क्षेत्र में अनुसंधान करना किसी चुनौती से कम नहीं है। पृथ्वी के साथ सीधे संचार स्थापित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि चंद्रमा की डार्क साइड से सीधे संचार संकेत प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्रेटर और पहाड़ी क्षेत्रों में उपकरणों को संचार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं को पार करने के लिए योजना, अभिनव तकनीक और सटीक निष्पादन की आवश्यकता होती है। संचार बाधा से निपटने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों ने चंद्रमा की कक्षा में स्थित उपग्रहों तकनीकी रूप उन्नत किया है। ये उपग्रह मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, अंधेरे क्षेत्र में स्थित अनुसंधान करने वाले रोवर से संकेत प्राप्त करते हैं और उन्हें पृथ्वी पर वापस संचारित करते हैं। इस सफलता ने चंद्रमा के दूर के हिस्से का पता लगाने और संवाद संचार करने की हमारी क्षमता में क्रांति ला दी है। चंद्र अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण घटना जनवरी 2019 में हुई, जब चीन का चांदी 4 मिशन चंद्रमा की फार साइट पर सफलतापूर्वक उतरा था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में चंद्रमा की डार्क साइट पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग और तैनाती शामिल थी। इस मिशन ने इस अनछुए क्षेत्र की भूविज्ञान और संरचना के बारे में मूल्यवान जानकारी जुटाई। चंद्रमा के अंधेरे क्षेत्र के अनुसंधान ने अंतरिक्ष खोजों को नया आयाम दिया है। चंद्रमा के नमूनों और विभिन्न मिशनों से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के इतिहास, गठन और विकास की गहरी समझ हासिल की है। उन्होंने प्राचीन ज्वालामुखी, उनके प्रभाव और चंद्रमा पर मौजूद संभावित संसाधनों की खोज की है, जिन्हें भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोटिक मिशनों ने चंद्रमा के डार्क साइट की सतह का विस्तृत अध्ययन करने में सक्षम बनाया है। अंतरिक्ष यान और रोवर्स पर लगे उपकरणों ने उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर किया है, स्थलाकृति को मैप किया है और रेगोलिथ की रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया है। इन निष्कर्षों में भूगर्भीय प्रक्रियाओं और हीलियम-3 जैसे मूल्यवान तत्वों की मौजूदगी का पता चला है, जिसका उपयोग भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। चंद्रमा का अंधेरा क्षेत्र भूवैज्ञानिक विशेषताओं से भरा हुआ है। विशाल मैदान मारिया के रूप में जाना जाता है, जो किनारों से गहरा है, जबकि दूर की ओर बीहड़ उच्च भूमि युक्त है। दक्षिणी ध्रुव पर एटकेन बेसिन सौर मंडल में सबसे बड़ी ज्ञात प्रभाव संरचनाओं में से एक है। चंद्रमा पर भविष्य की ऊर्जा के स्रोतों के भी मिलने की संभावना है, जिनका आर्थिक लाभ और ऊर्जा सुरक्षा के लिए दोहन किया जा सकता है। पृथ्वी पर चंद्रमा के प्रभाव को समझना चंद्र अन्वेषण का एक और पेचीदा पहलू है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारीय ताकतें पैदा होती हैं, जो समुद्र की धाराओं को आकार देती हैं और हमारे ग्रह की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा चंद्रमा के भूविज्ञान का अध्ययन पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास और हमारे स्वयं के ग्रह को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी जुटाना है। इसरो, नासा, ESA और रोस्कोस्मोस सहित कई अंतरिक्ष एजेंसियां फार साइट की ओर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए भविष्य के मिशन की योजना बना रही हैं। सहयोगात्मक प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने और चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत के चंद्रयान मिशन 3 की एक योजना में चंद्रमा की डार्क साइट के रहस्यों को उजागर करना है। चंद्रयान 2 मिशन में भी लैंडर और रोवर को चंद्रमा की डार्क साइट में उतारना था और वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन करना था। रहस्यवाद पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि चंद्रमा की डार्क साइट पर एलियन बस्तियां हैं। वहां एडवांस सभ्यता के जीवों ने अपने बेस बना रखे हैं। साथ ही आरोप लगाया जाता है
दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां इस रहस्य को सबसे छुपाकर रखना चाहती हैं। सत्य क्या है, यह अभी अनुसंधान का विषय है। अभी तक कोई प्रमाणिक सूचना इस मामले में सार्वजनिक नहीं है। चंद्रमा की डार्क साइट के अनुसंधानों ने नई संभावनाओं को बल दिया है और हमारे ज्ञान की सीमाओं में इजाफा किया है। ग्राउंड ब्रेकिंग मिशनों और वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से हमने चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास, पृथ्वी पर इसके प्रभाव और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए चंद्रमा के उपयोग के बारे में उल्लेखनीय ज्ञान वृद्धि की है। मानव ब्रह्मांड के रहस्यों को अनलॉक करने के लिए अपनी खोज जारी रखेगा। आशा है कि भविष्य में चंद्रमा की डार्क साइट के रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, साथ ही साथ खुद अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। दिन में सूरज हमें रोशनी देता है और रात में चांद से हमें रोशनी मिलती है, और चांद भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन वो पृथ्वी की तरह खुद अपने अक्ष पर नहीं घूमता। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद से अमेरिका और रूस के बीच वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और इसमें दोनों अपने दुश्मन देश को नीचा दिखाना चाहते थे, और इसके लिए दोनों देशों ने जोरों शोरों से अपने स्पेस प्रोग्राम शुरू कर दिए, और यहां से लड़ाई शुरू हुई कि स्पेस में अपना परचम पहले कौन लहरा पाता है। जिसके बाद सन 1959 में रूस ने अपना एक अंतरिक्ष यान चांद पर भेजा। इस मिशन का नाम द लूना 3 था। इस मिशन में स्पेस में किसी इंसान को नहीं भेजा गया था, जिसके बाद दुनिया के सामने पहली बार चांद की दूसरी साइड की तस्वीरें सामने आई, और यह काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। जब द लूना 3 के द्वारा ली गई तस्वीरें देखी गई तो इन तस्वीरों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके बाद अमेरिका और खुद रूस ने इस पर काफी रिसर्च की, और साल दर साल कैमरा क्वालिटी के साथ ही साथ रिसर्च की स्पीड बढ़ने से जो रिजल्ट सामने आए उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात सामने आई कि चांद के दोनों भाग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सिर्फ देखने में नहीं बल्कि केमिकल कॉम्पोजिशन में भी ये काफी अलग थे। हमें चांद का जो हिस्सा रोज दिखाई देता है उसमें हमें बड़े बड़े काले धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद के दूसरे हिस्से में ऐसे कोई बड़े धब्बे नहीं है बल्कि छोटे छोटे गड्ढे हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। साथ ही साथ चांद के हिस्से छोटे छोटे गड्ढे की वजह से सामने वाले हिस्से से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। 8 अप्रैल 2022 को जनरल साइंस एडवांसेस ने एक पेपर जारी किया। इस पेपर में कहा गया कि चांद के सामने वाले हिस्से में वाल्केनिक एक्टिविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके पिछले हिस्से में जो बड़ा क्रेटर है, जिसे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्रेटर माना जाता है, जब एस्ट्रॉइड जितनी तेजी से चांद से टकराया उस स्पीड की वजह से सारे केमिकल कॉम्पोजिशन चांद की तरफ आ गए, साथ ही स्पीड की वजह से अंदर की परतों में जो रिएक्शन हुआ उससे अंदर ही अंदर आग सी लगने लगी, और इस तरह से चांद के इस तरफ वाल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो गई। अगर चांद पर मिलने वाले केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो चांद के सामने वाले हिस्से में जो केमिकल्स मौजूद हैं वो दूसरे हिस्से में नहीं मिलते, जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस, थोरियम, ये एलिमेंट्स चांद के पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चांद के अंधेरे हिस्से में ऐसा क्या है जो आज तक रहस्य बना हुआ है? क्या वहां कोई परग्रही सभ्यता है?